फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। मैं आज बताने जा रही हूँ मोहन थाल। मोहन थाल के लिए जो सामग्री लगती है वो है प्लेन आटा, घी, दूध, इलायची। इलायची को मैंने कवर के साथ कूट लिया है, बादाम और शक्कर, दो तीन चम्मच घी डालते हैं। घी मैंने 250 ग्राम लिया है मोहन के लिए। दूध और घी मिक्स करके मोहन करना है, डाला है। अभी उसको अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तब तक ये प्लेन आटा हम एक बाउल में निकाल देते हैं। ये प्लेन आटा है, उसे रवादार बनाना है, इसलिए घी और दूध का मिश्रण करके उसमें डालना है, तो अच्छी तरह से उसका रवा बनता है। वैसे तो मार्केट में रवादार आटा मिलता है, पर ये प्लेन आटा से रवादार बना के जो मोहन थाल बनता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगता है। अभी हमारा दूध और ये गर्म हो गया है, गैस बंद करते हैं, इसमें डालते हैं। तो अच्छी तरह से हिलाना है ताकि हमारा रवा अच्छी तरह से आए, दरदरा आटा बने। हाथों से मिक्स करना है इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि रवा अच्छा आए और हमारा मोहन थाल रवादार बने। इस तरह से हमने इसे इकट्ठा कर लिया है। अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, कढ़ाई रखनी है और ये आटा जो हमने रवादार बनाया ना, तो उसे गेहूं की छलनी या फिर चावल की छलनी से छान लेना है ताकि हमारा आटा रवादार आए। कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, मैंने 250 ग्राम घी लिया है, वो डाल देते हैं ताकि वो गरम हो जाए। अभी जो आटा ये बाकी है उसे हम हाथों से मसल देते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हमारा रवादार आटा तैयार होता है। अच्छी तरह मिला देते हैं, इसमें डालते हैं। उसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेकना है। तरह से उसे घी में मिक्स करना है। जैसे जैसे हमारा आटा भुनता जाता है उसी तरह से वो घी अलग होता जाता रहता है और आटा ब्राउन कलर का होता है। जब तक ब्राउन नहीं होता है तब तक उसे अच्छी तरह से सेकना है। हमारा आटा अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हो कि हल्का हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है।
उसके सुगंध भी बहुत बढ़िया आ रही है। मीन्स हमारा आटा हो गया है, अभी इसे साइड पर रखते हैं और एक काली पाक बनाते हैं शक्कर का। एक तपेली आटे में जितनी शक्कर चाहिए उतनी मैं आपको बताती हूँ, फिर आप जैसे भी मीठा खाते उसी हिसाब से आपको लेना है। मैंने इतनी शक्कर ली है पर इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इतनी ली है। और इस पर अभी जितना पानी शक्कर डूबने तक ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसका एक तारीख पाक बनाना है। जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी तब हम उसमें इलायची डाल देंगे। पाक हो रहा है, शक्कर का पानी उबल रहा है, इसमें इलायची डाल देते हैं। अभी तक हमारा एक तारीख पाक नहीं हुआ है, तब तक उसको उबालते हैं। एक तारी कैसे होते हैं इस तरह से, नहीं हुआ है अभी तक, ऐसे चिपकना चाहिए, एक तार पूरा आना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा दो मिनट के लिए बाकी है, ये हो रहा है। दो मिनट के बाद उसे निकाल देते हैं। वापस चेक करते हैं एक तारीख पाक हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो मोंधा अच्छी तरह से नहीं आएगा। हो गया है इस तरह से, अब एक मिनट के लिए उसे उबालते हैं, उसके बाद रख देंगे। हमारा एक तारीख पाक हो गया है, अबे गैस बंद कर देते हैं। और जो हमने आटा सेका है उसमें ये डाल देते हैं। और उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं। अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो रहा है। अभी 5-10 मिनट ठंडा करते हिलाते हिलाते हुए उसको मिक्स करते हैं। हमने अच्छी तरह से हिला दिया है, अभी थाली को थोड़ा घी लगा देते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से टैप करते हैं ताकि वो सेट हो जाए। अभी इसे बादाम से गार्निश करते हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा मोहनथाल का आटा सेट हो गया है, आधा पौना घंटे के बाद सेट हुआ है, अभी उसे काट लेते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से हम लोग इसे धीरे धीरे करके काट लेते हैं।
मटर हमारा तैयार हो गया है, सॉफ्ट डिलीशियस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोहन थाल खाइए। धन्यवाद।